ओके गाइस, सो इसकी डायग्नोसिस देखते हैं। मैंने वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो डायग्नोसिस इसकी हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसमें अब ये बहुत आम चीजें हैं डायग्नोसिस की। सबको पता है कि हम ब्रेन के लिए क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, ठीक है। यही चीजें हैं जो हम करते हैं ब्रेन के लिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक चीज बताई हुई है फास्ट, कि अगर मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को, फॉर एग्जाम्पल आप घर में हैं और अचानक से अटैक आ जाए, ऑब्वियसली ये तो अचानक से ही अटैक, मैंने बताया ये कोई वार्निंग नहीं देता, ठीक है। सो अगर अटैक आ गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रोक के वो है, ठीक है, मतलब कि ये आप कैसे खुद से डायग्नोज कैसे कर सकते। तो उसके लिए उन्होंने ये FAST, फास्ट मतलब आप उसके फेस देखेंगे, फेसबुक के कंडीशन देखेंगे, आर्म्स की देखेंगे, ठीक है, स्पीकिंग देखेंगे, और फिर टाइम मतलब टाइम ये कि अपने टाइम में जो है फिर उसको बंदे को हॉस्पिटलाइज करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रोक हैपेंस फास्ट एंड विल ऑफन अकर बिफोर एन इंडिविजुअल कैन बी सीन बाय अ डॉक्टर फॉर ए प्रॉपर डायग्नोसिस, क्योंकि ये अचानक से आता है और डॉक्टर और बंदे को बहुत जल्दी जो है वो पहुंचना है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसमें जो है वो इस बंदे में जो है मतलब आपको थोड़ी सी खुद भी पता होना चाहिए कि हम उसको डायग्नोज कैसे कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए कहते हैं कि ये फास्ट एक्रोनिम है, ठीक है, इज अ वे टू रिमेंबर द साइंस ऑफ स्ट्रोक एंड कैन हेल्प आइडेंटिफाई द ऑनसेट ऑफ स्ट्रोक मोर क्विकली। इस तरह आपको बहुत जल्दी पता चल सकता है कि इस बंदे को स्ट्रोक हुआ है, ठीक है। तो इसको देखते हैं आगे। अच्छा, तो ये देखिए जरा पहला एफ वाला जो है उसमें देखते हैं, फेस का देखते हैं, डज द फेस लुक अनइवन, उसका फेस जो है वो अनइवन नजर आ रहा है, मतलब एक जैसा नहीं है, एक तरफ उसका जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ लटका हुआ है। ये देखिए इसको ड्रूपिंग कहते हैं, फेस ड्रूपिंग, थोड़ा सा नीचे मतलब वो भी टेढ़ा सा होता है। आस्क द पर्सन टू स्माइल, उस बंदे को कहे कि वो हंसे, तो अगर वो हंसेगा तो देखिए ये अनइवन उसकी स्माइल, मतलब उसका मुंह जो है एक तरफ लटक रहा है ऐसे, ठीक है। सो इसको फेस ड्रूपिंग कहते हैं। तो ये इससे पता चल सकता है, आर्म डज द आर्म ड्रिफ्ट डाउनवर्ड, उसका एक तरफ जो है, अब देखें सारे सेंटर उसके जो है इसका लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसका राइट साइड में जो है हो सकता है कि मसला। So, उसका अगर एक साइड आर्म एफ ए पास ना, एफ ए से क्या आर्म, डज वन आर्म ड्रिफ्ट डाउनवर्ड, क्या उसका एक हाथ जो है वो नीचे की तरफ लटका हुआ है, ठीक है। सो, इससे हमें पता चल सकता है। तो आस्क द पर्सन टू रेज, उसको कहें कि उसको अपना हाथ ऊपर करे तो वो प्रॉपर उसको मूवमेंट नहीं दे सक रहा होगा, तो इससे पता चल सकता है। स्पीक से पता चल सकता है, एस मतलब स्पीच, ठीक है, स्पीच से पता चल सकता है कि आस्क द पर्सन टू रिपीट, उसको कहें कि वो बार बार बात करे। तो डज देयर स्पीच साउंड स्ट्रेंज, क्या उसकी आवाज आपको थोड़ी सी डिफरेंट सी, उसमें लड़खड़ाहट सी होगी जब वो बोलेगा, ठीक है। सो इससे पता चल सकता है। एंड लास्ट वन इज टाइम, कहते हैं कि इफ यू नोटिस एनी साइन, इफ यू नोटिस एनी ऑफ दी साइन इट्स टाइम टू कॉल, या तो यूएस की उन्होंने बताई भी, लेकिन आप अपने इमरजेंसी जो जो भी करीबी हेल्थ केयर सेंटर है आप उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 911 तो यूएस का है तो आप इसको नहीं लिखेंगे, तो कोई भी इमरजेंसी तो आप इसकी जगह पे कॉल एनी इमरजेंसी हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है। तो आप जो है फिर, या आप कॉल नहीं करेंगे, आप एम्बुलेंस नहीं बुलाते, आप खुद भी लेकर जा सकते हैं अगर पेशेंट इस हालत में है, नहीं तो फिर आप एम्बुलेंस बुलाएंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो उसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एफ फेस, फेस ड्रूपिंग, इफ द पर्सन ट्राइज टू स्माइल एट वन साइड ऑफ द फेस ड्रूप, जो उसका एक तरफ फेस जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। आर्म वीकनेस, इफ द पर्सन ट्राइज टू रेज बोथ देयर आर्म्स, डज वन आर्म ड्रिफ्ट डाउनवर्ड, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर और लिखा हुआ है। स्पीच डिफिकल्टी, इफ द पर्सन ट्राइज टू रिपीट ए सिंपल फ्रेज, इज देयर स्पीच स्लर्ड और स्ट्रेन, स्लर्ड मतलब वही लड़खड़ाहट सी होगी, वो सही नहीं बोलेगा या अजीब सी आप मतलब होगी, और आखिर मैंने बताया इमरजेंसी सेंटर आपने कॉल कर लिया, ठीक है। ओके, सो ये तो खुद के मतलब आप अगर खुद डायग्नोज करना चाहते हैं इसको तो कर सकते हैं, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि इस बंदे को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है, ठीक है, तो आप खुद उसको डायग्नोज करेंगे। अगर डॉक्टर के पास लेकर जाए तो वो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट डॉक्टर कैन यूज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रोक हैज अकर्ड, ये अगर कंफर्म हो भी गया कि स्ट्रोक है तो ये तो पता चले ना कि विच टाइप है, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट तो अलग होगी ना, हेमरेज की अपनी होगी, स्ट्रोक उसकी इस्केमिक की अपनी होगी। सो सिटी स्कैन मैंने बताया था, सिटी स्कैन हम करेंगे, ठीक है, ऑफ द ब्रेन आर वन ऑफ द फ्यू वेज टू डिटरमाइन विच टाइप ऑफ स्ट्रोक ए पर्सन हैज हैड, ठीक है, कि सिटी स्कैन आप करेंगे तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि हेमरेजिक है, TIA है या इस्केमिक है, ठीक है।
फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करेगा, ठीक है. डॉक्टर विल आस्क अबाउट द पेशेंट सिम्टम्स एंड मेडिकल हिस्ट्री. उससे पूछा जाएगा उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है, उसका और कोई ऐसा इशू तो नहीं है, देर उसने कौन सी मेडिकेशन यूज की हुई है, तो वो हिस्ट्री वगैरह पूछ सकता है. दे में चेक ब्लड प्रेशर, listen to carotid arteries in the neck and examine blood vessel at the back of the eyeball, ठीक है. उसके eyeball की उसे check कर सकता है, vessels वगैरह, carotid arteries को check कर सकता है, blood pressure check कर सकता है, all to check for indication of clotting. ये सारी चीजें वो इसलिए देखना चाह रहे हैं कि उसको clotting वगैरह का पता चल जाए. तो CT scan कर सकता है डॉक्टर, physical examination कर सकता है, और okay, और वो कर सकता है blood test वो कर सकता है, ठीक है. A doctor, ये हो गया third blood test. A doctor may perform blood test in order to find out how quickly the patient blood clots. ये पता चल लगाने के लिए कि उसका blood कितनी जल्दी जल्दी clot हो रहा है, कि कहीं clotting तो reason नहीं है. The levels of particular substances including clotting factors in the blood, clotting factors को वो find out कर सकता है blood में, and whether or not the patient has an infection, और कहीं उसको कोई infection वगैरह तो नहीं है. तो blood test इन चीजों को find out करने के लिए करते हैं. And CT scan, मैंने बताया था ये भी एक diagnostic method है. A series of x-ray that can show hemorrhages, strokes, tumors and other conditions within the brain. क्योंकि देखिए उन्होंने ये भी तो confirm है, कहीं brain tumor वगैरह तो नहीं है, ये भी तो पता करना है ना, तो उसके लिए भी ये CT scan कर सकते हैं. And last but not the least is MRI, ठीक है. MRI scan कर सकते हैं. Radio waves and magnets create an image of the brain to detect the damage. ये MRI के बारे में बताया है कि radio waves, obviously सबको पता होगा कि MRI में radio waves जो है वो involve होती है, and magnets create an image of the brain to detect damaged brain tissue, ठीक है. तो MRI आपको ये explanation देने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से diagnostic procedure जो है हम stroke के लिए use कर सकते हैं, बल्कि brain के लिए जब भी हो तो आपको ये CT scan, MRI इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है. सो ये सारे procedures हम diagnosis के लिए कर सकते हैं. ओके, सो अब treatment की तरफ आते हैं. ट्रीटमेंट जो इसकी है दोनों के लिए मैंने बताया डिफरेंट ट्रीटमेंट होगी, ठीक है. इस्केमिक के लिए डिफरेंट, हेमरेजिक के लिए डिफरेंट. सो अगर इस्केमिक स्ट्रोक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब खुद सोचें. इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होगा, क्लॉट बनेगा, क्लॉट को हमने डिजॉल्व करना है, तो बेस्ट ड्रग क्या हो सकती है, एस्पिरिन. एस्पिरिन क्लॉट को बनने नहीं देता ना, उसको डिजॉल्व करने में, उसको खत्म करने में. कैन बी गिवन एस्पिरिन, कैन बी गिवन एस कैन एन इंजेक्शन ऑफ ए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. कहते हैं कि एस्पिरिन बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं जैसे आप एक इंजेक्शन लगाते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का. टिश्यू प्लाज्मिनोजन क्या करता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन जो है ये एक प्रोटीन है जो क्लॉटिंग को डिजॉल्व करता है, खत्म करता है, ठीक है. सो प्रोटीन ये एक ऐसा ड्रग है जो प्रोटीन इन नेचर है, और ये क्या करता है, ये क्लॉटिंग को डिजॉल्व, क्लॉट्स को डिजॉल्व करता है, ठीक है. कहते हैं कि आप एस्पिरिन भी ले सकते हैं और आप ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी ले सकते हैं. दोनों जो है, दोनों का काम क्या होगा, क्लॉट्स को खत्म करना, ठीक है. एस्पिरिन जो है इसका मैकेनिज्म सबको पता है कि ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ब्लॉक करता है. साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम जब ब्लॉक हो जाते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास ना तो प्रोस्टाग्लैंडिन फिर बनेंगे, ठीक है. इसीलिए ये इन्फ्लेमेशन में भी काम करता है, और साथ में क्या नहीं बनता, थ्रोम्बोक्सिन ए टू. थ्रोम्बोक्सिन ए टू जब आप एस्पिरिन देंगे तो प्लस साइक्लोऑक्सीजिनेज ब्लॉक हो जाएगा, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम के ब्लॉक होने की वजह से थ्रोम्बोक्सिन ए टू नहीं बनेगा. थ्रोम्बोक्सिन ए टू क्या चीज है, ये वो सब्सटेंस है जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है. सो जब आप एस्पिरिन देंगे तो थ्रोम्बोक्सिन ए टू नहीं बनेगा और क्लॉटिंग खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी, ठीक है. तो या तो आप ये दे सकते हैं और या आप टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं. ये क्या है, ये एक प्रोटीन है जो क्या करता है, आपके क्लॉटिंग को खत्म करता है, उसको डिसॉल्व करता है. तो ये तो ड्रग थेरेपी, ये ये क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. इसके अलावा आप सर्जिकल ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, ये दोनों आपकी सर्जिकल ट्रीटमेंट होंगे. इसमें एक कैरोटिड एंड आर्टेरेक्टमी. कैरोटिड एंड आर्टेरेक्टमी किसको कहेंगे, इसमें कैरोटिड आर्टरी जो होती है ना, इसको सर्जरी के थ्रू इसको इसका क्लॉट खत्म करते हैं, ठीक है. मतलब सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू इसको जो है यहाँ से क्लॉट्स जो है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं. और जो एंजियोप्लास्टी है, इसमें क्या मतलब, इसमें आप उस तरह नहीं कि इसको काट कर हटा देते हैं, ऐसे नहीं, इसको जो है वो करके किसी कैथेटर के या किसी भी प्रोसीजर के थ्रू उस आर्टरी को, उस आर्टरी से ब्लॉकेट को खत्म
कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी इंसिजन वगैरह करके। एंजियोप्लास्टी क्या होता है? एंजियोप्लास्टी आप जो सबने कहा, सबने सुना होगा वो जो हार्ट जिसका ब्लॉक, जिसकी आर्टरी वगैरह ब्लॉक हो, हार्ट में भी कैरोटिड आर्टरी, ये क्या कहते हैं उसको, जो उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो तो उसमें भी ये करते हैं, हालांकि वे जरा रगे बनते ना, तो वो जो करते हैं सर्जरी करते हैं जिसमें जिसमें कोरोनरी आर्टरी का थोड़ा सा हिस्सा काट के टांग से जो है थोड़ा सा ब्लड वेजल लेकर यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं, जो मेजर सर्जरी ऑफ द हार्ट हम उसको कहते हैं। तो ये एंजियोप्लास्टी में भी यहाँ वहां पर तो हम हार्ट में करते हैं ना, यहाँ पर हम कैरोटिड आर्टरी को जो है वहां से जो जगह ब्लॉक है वो इस प्रोसीजर से नहीं हो सकती, तो फिर हम उसको काट कर तो पैर से या कहीं से भी वो वेजल लेकर हम यहाँ पर लगा देते हैं, इसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। सो ये तो ट्रीटमेंट हो गई इस्केमिक स्ट्रोक की। अब हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए क्या हम करेंगे? हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए ट्रीटमेंट कैन बिगिन विद ड्रग्स बीइंग गिवन टू रिड्यूस द प्रेशर इन द ब्रेन। मैंने बताया ना हेमरेज क्यों होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जिसकी वजह से जो है हेमरेज हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे ड्रग देंगे कि ब्रेन में जो प्रेशर है इंट्राब्रेनियल प्रेशर जिसको कहते हैं उसको आपने खत्म करना है। तो पहले ट्रीटमेंट तो आप ड्रग की ये देंगे, ओवरऑल ब्लड प्रेशर को भी आपने एक तो ब्रेन में भी प्रेशर को कम करना है और ओवरऑल ब्लड बॉडी ब्लड प्रेशर जो आपका है उसको भी आपने लो करना है। तो कोई भी एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स आप देंगे, ठीक है, प्रिवेंट सीजर्स, अगर पेशेंट को इसकी वजह से स्ट्रोक की वजह से कोई सीजर अटैक आ रहा है उसको भी आपने प्रिवेंट करना है, ड्रग्स देने हैं डायजेपाम वगैरह, प्रिवेंट सडन कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, कोई भी आप बॉडी में अगर कंस्ट्रिक्शन हो रही है तो कंस्ट्रिक्शन की वजह से भी तो ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, तो आपने उसको भी प्रिवेंट करना है, ठीक है, कोई वैसोडाइलेटर वगैरह देकर आप जो है कोई भी ड्रग देकर आपने ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्शन से भी बचाना है ताकि ब्लड प्रेशर मजीद हाई ना हो सके, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ब्लड प्रेशर हमेशा किन वजह से ज्यादा होता है, या तो ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो जाए या ब्लड बहुत वेजल बहुत कंस्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है, और या आपका ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाए। सो इफ द पेशेंट इज टेकिंग एंटीकोएगुलेंट्स और एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन लाइक वारफरिन और क्लोबिलोग्रिल, दे कैन बी गिवन ड्रग्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू काउंटर द मेडिकेशन इफेक्ट। देखिए अगर पेशेंट जो है वो कोई भी एंटीकोएगुलेंट या एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन दे रहे हैं, एंटीकोएगुलेंट एंटीप्लेटलेट मतलब ब्लड थिनर ले रहे हैं, ठीक है, अगर वो ब्लड थिनर ले रहे हैं तो मैंने बताया ना ब्लड थिन होने की वजह से भी तो आपके पास ब्लड प्रेशर जो आपके पास हेमरेज हो सकती है, मैंने पिछली स्लाइड में बताया ना, तो आपने फौरन उसको कोई फॉर एग्जांपल ब्लड थिनर क्या हो सकती है, मैंने पिछली स्लाइड में बताया वारफरिन हो सकते हैं, क्लोबिडोग्रिल, एस्पिरिन, हेपरिन, कोई भी अगर आपके पास है तो देखिए आप उसमें क्या करेंगे, आप उसको ऐसे ड्रग्स देंगे या ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्रिप्स लगाएंगे या ड्रग्स देंगे इंजेक्शन लगाएंगे ताकि इनका असर खत्म हो सके, ठीक है, ताकि इन ड्रग्स का असर, ताकि जल्दी से बॉडी से निकल जाए और इनका असर खत्म हो। क्यों? क्योंकि आपके पास बॉडी में हेमरेज हुई भी है और ब्लड थिनर जो है वो मजीद हेमरेज कर सकते हैं, तो इसलिए आपने इन ड्रग्स का असर खत्म करने के लिए आपने इसके क्या करने हैं एंटीडॉट्स दे सकते हैं। वारफरिन का एंटीडॉट क्या है? विटामिन के, आप विटामिन के दे सकते हैं, क्लोपिडोग्रिल में भी आप विटामिन के वगैरह दे सकते हैं ताकि आपके जो है वो ब्लड इनका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो अब आप देखें मैंने बताया ना दोनों के ट्रीटमेंट में कितना फर्क है, यहाँ पर आप एस्पिरिन देते हैं और यहाँ पर आप उसके इफेक्ट को खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एस्पिरिन वारफरिन इन सब के इफेक्ट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये चीज पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रोक है। अगर वो हेमरेजिक है और आपने उसमें एस्पिरिन दे दिया तो पेशेंट का तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसमें हेमरेज हुई और आपने ऊपर से एस्पिरिन भी दे दी, ठीक है, लेकिन अगर वो ये वाला है इस्केमिक है तो फिर आपने उसमें एस्पिरिन मस्ट देना, ठीक है। सो ये थोड़ी बहुत इसकी हो गई ट्रीटमेंट के बारे में, और मजीद जो है आपके पास अगर कोई भी सिम्टम है इसके साथ, कोई भी वॉमिटिंग के लिए वॉमिटिंग का एज ए सिम्टम है, कोई भी और आपका इशू है तो आप उसको साथ साथ जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। सो मैंने बताया था कि ये इमरजेंसी कंडीशन होती तो आपको उसको पेशेंट को फौरन जो है डॉक्टर के पास लेकर जाना है और अकॉर्डिंगली उसकी जो है वो डॉक्टर ही उसको ट्रीटमेंट करेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रोक, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो आप लोग पूछेंगे नहीं मुझे पता है क्योंकि मैंने इतनी दफा आपके लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछे और किसी ने मुझे आंसर नहीं किया। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है सो पीपल कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। सो हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।